चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों को रिदम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी ते तुहाडा सारेयां दा वेलकम है जी साडे लाइव प्रोग्राम जिसका नाम है फोन का फंडा जिहड़ा हर सोमवार बुधवार शुक्रवार दोपहर नूं 2 बजे मंगलवार वीरवार ते शनिवार रात नूं 10:30 बजे लैके हाजिर होंगे तुहाडे नाल जुड़दे हां गल्लां करदे हां ते तुहानूं गाने सुणांदे हां ओह वी तुहाडियां फरमाइशां वाले ओह किस तरह कि तुसीं साडे प्रोग्राम दा इक हिस्सा बन सकदे हो सानू कॉल करके साडे इस प्रोग्राम च आपदी हाजरी लगवा सकदे हो किद्दां डायल करना है 9216192162 ते जद वी कॉल पहुंचनी है जद वी कॉल कनैक्ट हुंदा है सब तो पहलां दसना अपना नाम शहर दा नाम ते गाना किहड़े सिंगर दा तुसीं सुनना चाहुंदे हो ते उस तो बाद म्यूजिक वाला सफर जिस ते आपां चलदे हां ते नाल दे नाल गल्लां भी करदे हुंदे हां जे किसे नूं कोई गाना डेडिकेट करना है ओह वी कर सकदे हो मैसेज सुनेहा देना है ओ भी दे सकते हो तो सब तो पहला प्रोग्राम के शुरू दे विच मैं दसदा कि तुहानू जो भी कॉल करते हो तुसी ए सुनना चाहते होंगे हो कि यह प्रोग्राम लाइव चल रहा है तो तुसी टीवी की आवाज़ किते ना किते उच्ची ही रखते हो जे फैमिली नाल बैठे हुए हो तो थोड़ा जा टीवी तो थोड़ा दूर होकर दूरी बना के तुसी गल कर सकते हो फोन से क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो वो करके गल नहीं हो पाती सो जो भी कॉल करनी है जे कल्ले हो एक तो टीवी की आवाज़ घट रखनी है जे फैमिली नाल तो थोड़ा दूर होकर गल करनी है उस तो बाद गल कर सकते हो तो हाँ एक चीज़ होर करनी है चढ़दी कला टाइम टीवी प्राइम यूट्यूब के उपर जाके सबसक्राइब कर लेना चैनल में क्योंकि ये जेडे एपीसोड असी करते हैं जेडे भी जिसके भी कॉल करते हो जेड़ा भी प्रोग्राम देखते हो ये सारे ही उत्थे जाके असी अपलोड करते हैं सो तुसी आप दे जेडे कॉल्स हैं दोबारा भी देख सकते हो सुन सकते हो जिनी बार चाहो उन्नी बार ही प्रोग्राम नू इंजॉय कर सकते हैं सो बहुत ही सिंपल जिहा फंडा इस प्रोग्राम दे विच हफ्ते च 6 दिन जुड़ना हुंदा सो एक दिन दिन च जुड़दे हैं एक दिन रात नू भाई हर एक कोल समा इस तरीके दे नाल ही है कोई दिन दे विच फ्री हुंदा कोई रात नू फ्री हुंदा सो आपां कुल मिला के हासे भरियां भी गल्लां करदे हुंदे आ कुछ उलझुल सवाल भी करदे हुंदे और नॉलेज भरियां गल्लां भी करदे हुंदे आ सो देखना हुण इह होवेगा कि जिनी देर मैं बोल रहा मेरे बोलते बोलते वो फस्ट कॉलर केड़े हो सकते हैं तुहाडे चो जिन्होंने कॉल किया और रेडी ने गल करते हैं हेलो जे पुत्र मिठड़े मेवे तिया मिश्री डलिया हाँ जी जे पुत्र मिठड़े मेवे जे पुत्र मिठड़े मेवे तिया मिश्री डलिया जेकर पुत्र मिठड़े मेवे धिया घर का चानण मापिया के हर दुख च धिया शिद्दत दे नाल मानण क्योंकि एक धी से कहते दूजा रुख दोवां दा घर च होना बहुत जरूरी है क्योंकि रुख धुप विच ते धी दुख विच परिवार दा हमेशा दुख सुख साथ दिंदे जी 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 और बहुत ही प्यारियां लाइनां बहुत ही प्यारा मैसेज और हर वार दी तरह इकबाल जी तुहाडा वेलकम है प्रोग्राम च गाना केड़े सिंगर दा सुनना चाहुंदे हो सब दा ही करे शुरू जी जी सब दा भला करी तो शुरू करी जी साडे तो ठीक है बिलकुल जोत दा गाना सुनना जी शुक्रिया जी शुक्रिया और मैसेज हर बार बहुत खूबसूरत लियाने हो ये सोचते हो कि अज नू मैं इस चीज के उपर गल करनी अज नू इस विषय के उपर गल करनी चलो अगे भी दसा सी हुण मेरे माइंड च ओ गई गल आ गई जदों मैं गाना जा सोचिया ना ना ही मेरे माइंड च आ गई क्योंकि पता की है अपने रिदम जी मैं ना ये एक राइटर आ बंदा बहुत मशहूर राइटर आ जी ते ओदा ना मैं अखबार दे विच कल छोटा जिहा पढ़िया उहने ना धी दी फोटो लगी हुई सी उत्ते ओने इन्ने वधिया तरीके नाल ओहदे लई लिखिया सी ओह कहिंदा जेकर पुत्तर मिठड़े मेवे धीआं घर दा चानण मापिआं दे हर दुख नूं धीआं शिद्दत दे नाल जानण क्या बात है कहिंदा इह इक धीआं ही है जिहड़ा मां प्यो दा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पुत्त बनाउण जमीनां धीआं दुख बनाउंदियां ने शुक्रिया जी शुक्रिया और इन्हां लाइनां दे नाल ही मेरा ख्याल है कि तुसीं सारे ही समझदार हो वैसे समझदार नूं इशारा ही काफ़ी हुंदा है कि इन चीज़ों की भी अज के समय के गल करन की जरूरत हैगी है अज की जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है उन्होंने लिए इस चीज़ों की गल जरूरी है क्योंकि सानू किते ना किते आप दे जिहड़े संस्कार आ साडा पंजाब आ साडी नौजवान पीढ़ी है किते ना किते कुराहे भी पई हुई है सो उन्होंने कुराहे तो आप राह पाने लई सीधे राह ते पाने लई इह चीज़ां जरूरी है सो पढ़िया करो अखबारां भी पढ़िया करो मैगजीनस भी पढ़िया करो और चढ़दी कला टाइम टीवी भी जरूर देखिया करो जिथे तुसीं प्रोग्राम फोन का फंडा देखदे हो होर भी प्रोग्राम काफ़ी ने न्यूज़ आ काफ़ी कुछ है साडे साडे चैनल दे उपर इक्को ही प्लेटफॉर्म सो इंजॉय कर रहे हो नेक्स्ट कॉलर रेडी ने गल करदे हां हेलो हेलो सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी की नाम है किथों बोल रहे हो मनदीप सिंह बोल रहा जी मणिपुर इंफाल वेलकम है जी मनदीप जी गाना केड़े सिंगर दा सुनना तुसी
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ 10:15 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖੀਦਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਣਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਲਰਾਜ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਗਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਗਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਲਰਾਜ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਘਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਕੇ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਵੱਢਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 15-9 ਮਟਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਟਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਟ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਸੁਣਨਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਦੇ ਕਲਵਿੰਦਰ ਬਈਆ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜੋੜ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹੇਲੀ ਨੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ? ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਪਹੇਲੀ ਲੱਭ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਚਿੱਟੀ ਕੁੱਕੜੀ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾਵੇ।
पहेली है सियाने ने साडे वड्डे ने जिन्हां तों ब्लेसिंग्स है और बहुत सारे दर्शक इदां दे ने चाहे बच्चे आ चाहे वड्डे आ स्टूडेंट आ सो ये नॉलेज वालियां गल्लां ने जिहड़ियां पुराने समय से दादी दादा नानी नाने के समय से छुट्टियां कट्टन जाते उदो ये सुनते पहेलियां बुझारतां पर अजकल दे बच्चों भी उन्होंने चीज़ों ना जोड़ना है उन्होंने चीज़ा इतिहास बारे दसना है सो पिंडा थावां वाले जिहड़े कल्चर आ उन्हां बारे दसना है सो उन्हां नूं जिउंदे रखना है ता करके छोटे छोटे नाल नाल ये चीज़ा करते रहिए एफर्ट्स की किते ना किते ये तुहाडे माइंड दे विच रहन सो इहनूं गैस करो ते हुण गाना इंजॉय करो तो जरूरी नहीं है कि सवाल जवाब मेरे वालों ही किए जाते हैं सो तुहाडे कोल भी बहुत सारी नॉलेज है नॉलेज का पूरा भंडार है क्योंकि मुट्ठी है जिहड़ी एक उंगलां ते बनदी नहीं है पांच उंगलां मिलांदे आ तां बनदी है सो आपां रल मिल के नॉलेज वधाउणी है आपां ते पंजाब दी आपदे कल्चर दी है ना सो तुसीं भी कोई भी सवाल है कोई टैलेंट है साडे इस प्रोग्राम दे विच कॉल करके साडे नाल सांझा कर सकदे हो कोई लिखदा अच्छा तां उह सानूं अच्छा कोई सुना सकदा कुछ लिखिया होया कोई गाउंदा अच्छा तां उह गा के कुछ सुना सकता है सो ऐसिया गल्लां ने कि जिहदे नाल आपां कोई समाज भलाई का काम कर सकीए किसी कोई अच्छी सेध दे सकीए क्योंकि जिदा का माहौल चल रहा है जिदा का दौर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यही चीज़ा अज के टाइम से बन दया ने कि आप जे किसी एक बंदे तक भी कोई सही चीज़ पहुँचे तो क्योंकि अगे भी अगे वो चार बंद भी बैठ के गल करता है सो हमेशा गल यही करो कोशिश यही करो किसी नाल भी कि हमेशा जी पॉजिटिविटी आ उ अगे वधे क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो ही थोड़ा शांति रहेगी क्योंकि अजकल सहन शक्ति बहुत खत्म हो चुकी है आप देखते हैं अपने आले दुआले के सो भाई सहन शक्ति भी रखा करो थोड़ी बहुत थोड़ा जहा प्रेम प्यार भी रखा करो चाहे फैमिली है चाहे बाहर है चाहे यारी दोस्ती है सो हर चीज़ कुल मिला के प्रेम प्यार नाल चलन वाली आप कुदरत और जिंदगी मिली हुई है उस वाहिगुरु ने आपको जिंदगी दी है कितनी सोहनी जिंदगी है सोचा करो बैठ के यार कि चीज़ है उस कुदरत ने बनाई है एक छोटी छोटी चीज़ बनाई है छोटा छोटा जीव बनाया किन्निया गल्लां ने सो मैं खड़ के गल्लां जिन्नियां मर्जी कर लां पर गल्लां करन दा फायदा उदों ही है जदों आपां इन्हां नूं मनना शुरू कर दांगे सो फिलहाल एक होर गाना तुहानूं सुनाने आ जिहड़ा तुहाडे लई रेडी है उस तों पहले एक कॉलर रेडी ने उहनां नाल गल करदे आ हैलो हैलो सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी की नाम है जी कित्थों बोलदे हो गुरनाम सिंह पिंड बस्ती केसर सिंह वाली जिला फिरोजपुर तों जी वेलकम है गुरनाम जी तुहाडा गाना किहड़े सिंगर दा सुनना तुसीं गुरनाम पिल्लर दा जी क्या बात है जी ये तुहाडा नाम है ता ही सुनना है कि तुसी उन्हां दे फैन हो कि तुहाडा नाम ही सीगा गुरनाम ता उन्हां दे फैन हो नहीं जी वो साडे इलाके दा जी गुरनाम पुल्लर फाड़ल कट जी अच्छा जी ता करके उन्हां दे मतलब गाना सुनना चाहंदे हो और ये नाम भी तुहाडा भी गुरनाम ही है हां जी मेरा नाम भी गुरनाम है जी क्या बात है जी जिहदा नाम ही गुरु नाल जुड़िया होया गुरु नाल जुड़िया होया उहदा तां नाम वैसे ही इन्ना हो जांदा है ते गुरनाम जी तुसी की करदे हो सर मैं खेतीबाड़ी करदा जी खेतीबाड़ी करदे हो ते मैं एक वीर सीगे उन्हां तों पुछिया सीगा कि जिहड़ी हुण आपणे झोना आ पंजाब आपणा किन्नवें नंबर ते आंदा आपणा कल्ला इंडिया दे विच किन्नवें स्टेट आ सर मैं तां पहले नंबर ते ही कहांगा जी चलो बिल्कुल आपां पहले नंबर ते जनाब ही होए तां वी पहले ते ही लियाउणा क्योंकि पंजाब दे आपां जिन्ने भी पूरे देश की गल कर लैने जिन्ने भी किसान आपां किसानी नाल जुड़े होए आ तुसीं अन्नदाता हो साडे लई किसानी करदे हो है ना एक दौर हुंदा सी भाजी जदों है ना आंदे हुंदे सीगे रोटी लै के वटो वट फिर उत्थे बैठ के है ना खाना रोटी दे उपर प्याज रख के जां इदां दी चीज़ां हुंदियां सी अजकल भी कितें इह चीज़ां दिखदियां ने पिंडां थावां च सर अज कल चीजा लोप हो गया ने पहला बहुत वधिया मतलब हुंदा सी जदों रोटी खांदे सी उत्थे वट ते बैठ के बहुत स्वाद लगदी सी चार नाल वी जी 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 अचार होणी नाल चाह होणी चलो लोप हो चुकिया ने सो अज कल टिफिन पैक हो के लेके आंदे होवोंगे चलो वाहेगुरु अगे अरदास करने यही कि तुसी जिन्ने भी किसान हो जिन्ने भी साडे लई किसानी करदे हो जिन्ने भी मिट्टी नाल जुड़े हुए हो परमात्मा तुहानू हमेशा चढ़दी कला च रखे ते तंदुरुस्त रखे ते गाना रेडी है तुहाडे लई एंजॉय करदे आ आई होप कि तुसी सारयां ने अज भी एंजॉय कीता होऊगा जिन्हां ने कॉल कीता भाई मजा आया होऊगा तुहानू साडे नाल जुड़ के सो जिन्हां ने ट्राई कीता है वो
ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਫਤੇ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਾਰਤ ਸੀਗੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਕੁੱਕੜੀ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਕੜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:45। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਧਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।